स्क्रीन दिख रही है? क्या यस दिख मैम, रहा है? क्या यस मैम, लिखा है? एमिलिया हेरिटेज एंड वेरिएशंस ऑन डिग्री टॉपिक में पेडिग्री एंड म्यूटेशन। तो जो मेन लॉजिक है एंट्रेंस का, जो मुझे समझ में आता है कि आप जितना पढ़ोगे स्टडी इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवीजन है, क्योंकि तुमको याद वो रहेगा जो तुमने रिवाइज किया है, स्टडी करा हुआ तो भूल जाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि दिसंबर में एक बार 12th रिवाइज हुई, फिर हम लोग फरवरी में फिर से 12th को रिवाइज करेंगे। 2 बार तो तुमने मेरे साथ ही रिवाइज किया, और जो तुम खुद अपने बोर्ड्स के लिए रिवाइज करोगे वो अलग। तो इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन इसके तो आराम से निकल जाए। ओके गायत्री, गायत्री अगर अच्छा किसी के पास ऐसा हो ना, तुमको पता आज क्लास है, तुम्हारे पास लिंक नहीं आया, तो तुम थोड़ा सेल्फ अवेयर बनो। लॉस किसका हुआ इसमें? तुम्हारा हो गया ना, मैंने तो क्लास ले ली राइट, बच्चे भी आ गए, लेकिन लॉस तो तुम्हारा हो गया क्योंकि तुम्हें लिंक नहीं मिला। अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको पता थी क्लास थी, तो एक बार तो पूछ लेते ना। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि मैम क्लास है, आज सुबह सुबह 4 बजे मैसेज आए थे, मैडम खुद बेहोश थी लेकिन मैसेज आ गए थे। तो यार थोड़ा सा पूछ लिया करो, यहाँ भी मुझे लगा था क्लास है, पूछ लो, कोई तुम्हें डांटेगा थोड़ी है ना। तो अब तो जिसकी क्लास मिस हो गई है संडे की, वो तो हो गई है, अगली क्लास में यार पूछ लेना तुम्हें कभी भी डाउट हो। राइट मैम, न्यू स्टूडेंट आए हैं आज भैया, न्यू स्टूडेंट आए हैं, न्यू बच्चे आए हैं आज, आए हैं क्या? यस है बेटा, मैम, कहाँ से आए हो तुम, नए नए बच्चे, पहले पढ़े हो यहाँ पर कि फर्स्ट ही क्लास है? अरे बाप रे, जो बेचारा नया बच्चा है वो तो मैम घबरा गया। नहीं, 2-3 क्लासें लगवाई हैं पहले भी। अच्छा बेटा डर मत जाना, ये सोचेगी ये तो आते ही स्टार्ट होगी। नो मैम, अरे डर मत जाना यार, एक्चुअली 12th कंप्लीट हो गया ना, तो इसलिए खुद डरा दिया मेरे बच्चे। नहीं बेटा वेंसडे से स्टार्ट नहीं है, कल जब तुम मुझे गूगल फॉर्म भर के, या जैसे भी मैं तुमसे वोट करवाना होगा, जब अपना वोट आप हमारी सरकार को दे देंगे इस चुनाव के बाद, फिर जिसकी सरकार आएगी वो आपको क्लास में ही बताएगी कि अगली क्लास कब से स्टार्ट है, क्योंकि अगली क्लास बनाने के लिए सरकार का भी ठीक होना जरूरी है, तभी प्रेजेंटेशंस बन पाएंगी। राइट यस ओके मैम, ओके, हाँ, पोलिंग करा लेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा, डन। तो हम करें इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन में पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है? तो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस का जो मेन पर्पस होता है, अब चलो सारे इधर उधर की बातें छोड़ो और इधर आ जाओ, और मुझे टाइम बताना कितना टाइम हुआ है। 7:38, हाँ 7:37। ठीक है, हाँ मैं बताती हूँ मॉर्गन वाला बेटा। तो पेडिग, अच्छा हाँ, जिन्होंने आंसर भेज दिया था थैंक यू, काफ़ी सारे बच्चों ने क्रॉस बना के भेजा था, उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगी जाने से पहले, डोंट वरी। तो पेडिग्री एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, इससे हमें क्या जानना पड़ता है, पता है किसी को, कोई भी बताओ, उससे पहले मैं लिख दूं पूरा। फैमिली मैम जैसे फैमिली जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो हमें पता लग सकता है। हाँ, ये तो उसका यूज हो गया, होता है क्या ये? मैम एक फैमिली ट्री जैसा होता है। हाँ एक फैमिली ट्री होता है, ये बात सही है। ठीक है, सो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, हाँ शमा वेरी गुड, कि किसी भी पर्टिकुलर जीन की इनहेरिटेंस का ट्रेट पढ़ना है मुझे इन ए फैमिली, एक परिवार में किसी जीन, कोई जीन कैसे जा रही है उस परिवार में, उसको पढ़ने को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो पेडिग्री होता क्या है, एक पेड़ ही होता है एक तरह से, हम ट्री ट्री कह सकते हैं इसको। तो एक ट्री है जो बताता है एक परिवार से दूसरे जनरेशन में कैसे जीन्स गए, कोई स्पेसिफिक जीन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मेरे ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, उनको जेनेटिक लेवल पे वो प्री डिस्पोज थे, मतलब उनको पहले से आशंका है कि उनको होगी डायबिटीज, उनके पास डायबिटीज का जीन है। ठीक है बेटा माइक बंद कर ले, जो माइक ऑन करेगा वही पढ़ाएगा क्लास को। ठीक है, तो उनके क्रोमोसोम, मैं नहीं जानना किस क्रोमोसोम पे क्या है यार, बस इतना समझो कि एक जीन है, इसकी वजह से यार है कि डायबिटीज हो सकती है, नहीं सर डायबिटीज थी सच में थी। ठीक है, अब वो डायबिटीज उनके आगे बच्चे हुए, सो ठीक है, ये रहे मेरे डैड, ये मेरे चाचा जी, ये मेरी होगी बुआ, ये मेरी एक और बुआ, बहुत सारी बुआएं हैं ये मेरी तो। ठीक है, अब इनमें से किसको डायबिटीज है, बाय चांस हो सकता है मेरी बुआ को डायबिटीज है क्योंकि है एक्चुअल में। ठीक है, अब मेरे डैड से आगे पैदा हुए मैं और मेरा भाई, ये रही मैं, दैट इज फीमेल एंड दिस इज माय ब्रदर, दैट
अब क्या है ना कि मेरे भाई को इस चीज की टेंशन है कि यार मुझे डायबिटीज होगी या नहीं, क्योंकि दादाजी को थी लेकिन पापा को नहीं थी, राइट। और दूसरी उसकी टेंशन ये है कि आगे जो उसका बेटा है जिस नेम इज सक्षम, कि भाई सक्षम को जाएगा ये जीन या नहीं, राइट, क्योंकि अब इसका तो कोई आइडिया नहीं है। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या करती है कि हम वो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं भाई, और वो पूछता है उनसे कि मुझे पता करना है कि क्या मैं डायबिटिक हो सकता हूँ, क्योंकि जीन आपके अंदर होता है वो भी ट्रिगर होता है, ठीक है। तो क्या मैं डायबिटिक हो सकता हूँ और क्या मेरे बेटे को ये जीन क्या होगा, वो भी डायबिटिक हो सकता है। अब उसको ये जानना है तो वो डॉक्टर के पास गया, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या किया, आओ तुम्हारा पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो उसने पूरे फैमिली का एक चार्ट बना लिया, भाई घर में किसको उसको थे डायबिटीज, बुआ को डायबिटीज थी, ठीक है, चाचा जी को भी डायबिटीज है, लेकिन दूसरी बुआ और पापा को डायबिटीज नहीं है, ठीक है, मुझे भी डायबिटीज नहीं है, मेरे भाई को भी डायबिटीज नहीं है। तो पूरा चार्ट बनाया, और हम स्टडी क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायबिटीज का जीन स्टडी कर रहे हैं ना डॉक्टर। तो मैं कहूंगी वो पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। पेडिग्री एनालिसिस से ये पता चल जाएगा मेरे भाई को कि हो सकता है कि शायद उसके पास एक जीन गया है, ठीक है, एक जीन उसके पास गया है तो वो कैरियर है उस जीन का, राइट। तो अगर वो जीन का कैरियर है तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो बहुत ज्यादा मीठा खाए तो डायबिटीज ट्रिगर हो सकती है, तो ये जीन उसके बेटे में भी जा सकता है। तो इसलिए वो क्या कर सकता है इस इंफॉर्मेशन से कि भाई वो अपना शुगर कंट्रोल रखे, ज्यादा शुगर वाली चीजें ना खाए, ताकि अगर डायबिटीज चीज का दिन बाई चांस रिसेसिस चला भी गया है तो वो कभी ट्रिगर ना हो, राइट। और यही डाइट वो अपने बेटे की भी मेंटेन कर सकता है। सिमिलरली मेरे साथ भी यही होगा, मेरे को भी पता है कि हाँ पापा से यह जीन तो आ सकता है, तो इस वजह से मैं भी अपने डाइट में कम शुगर लूँ। तो पेडिग्री एनालिसिस किसी पर्टिकुलर जीन को हम स्टडी करते हैं एक फैमिली के अंदर, ये इसका लॉजिक होता है। और हम स्टडी क्यों करते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि परिवार में कितने लोगों को वो बीमारी हो सकती है। अगर हम उससे बीमारी को होने से पहले बच सकते हैं तो हम सॉल्यूशन निकाल लें, और अगर नहीं बन सकते हैं तो हम डिसाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे भाई को पता चलता कि कोई डेडली बीमारी के चांसेस है उसके बच्चे को जाने के, तो वो डिसाइड कर सकता था ना वेदर ही वॉन्ट्स अ चाइल्ड और नॉट, राइट, कि एक बच्चे को एक बीमारी के साथ पैदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पेडिग्री एनालिसिस हमें इस तरीके की चीजों में मदद करता है, राइट। समझ आया सबको, यस मैम, बच्चे को जी डाउट मैम, है तो हाथ हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? नो? ओके। तो ये जो इंसिडेंट था इसका सत्य घटना से अच्छा किसी ने किया, मैम आपने बताया मैम, जैसे ग्रैंडफादर को डायबिटीज थी ना, तो सारे चिल्ड्रन को हो गई है किसी स्पेसिफिक, तो डिपेंड करता है बेटा कि कौन सी डायबिटीज है और वो रिसेसिव है या डोमिनेंट ट्रेट है। तो अगर वो रिसेसिव ट्रेट है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ना हो, ये भी डिपेंड करता है मदर को है या नहीं, ग्रैंड मदर को। तो वो अभी मैं पेडिग्री बनाऊंगी ना तब समझ आएगा तुझे। ओके या ओके शमा, राइट। ओके, सो सबसे पहले तो ये जो कक्षा है, ये जो इंसिडेंट है, ये सत्य घटना पर आधारित है, राइट, क्योंकि ये सच में है कि हमारे फैमिली में डायबिटीज का जीन है, तो मैं भी शुगर कम लेती हूँ, मेरा भाई भी शुगर कम रहता है, राइट। ओके, तो अगर पेडिग्री अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो एक पेडिग्री का करेंगे आगे, और उसके बाद तुम मुझे बताओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो पेडिग्री एनालिसिस है ना, उसके कुछ सिंबल्स है जो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, चलो सिंबल्स करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाओ भाई, सब चैट बॉक्स इधर आ जाओ, घूम जाते हैं चैट बॉक्स में जाके। चलो भाई, सिंबल जरूरी है, कभी कभार नीट में ना सिंबल पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो तो मतलब ऐसा, मतलब फ्री के नंबर उसने से फेंके है कि कैच कर लो कैच कर लो। ओके, तो ये अगर मैं सर्कल बनाऊं तो सर्कल रिप्रेजेंट्स अ फीमेल, फीमेल और जो बच्चे सोच रहे हैं एनसीईआरटी में डायग्राम बनना है तो मुझे नहीं बनाना, एक बार के लिए बना लो, इट ऑलवेज हेल्प। इट रिप्रेजेंट्स अ मेल, अ बॉक्स रिप्रेजेंट्स अ मेल, वाले सर्कल रिप्रेजेंट्स अ फीमेल, फीमेल। ओके, अब मुझे इसमें दिखाना है कि इनमें मीटिंग हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिश्ता हुआ है ना, तो गठबंधन कर देंगे, ये हो गई मीटिंग, राइट, इतना क्लियर। अब अगर मुझे दिखाना है कि इसको डिजीज हुई है, तो मैं कहूंगी फीमेल को डिजीज वाला जीन है, कोई भी जीन है, मैंने जीन नहीं बताया, मैं जनरली बोलूँ डिजीज वाला जीन है, तो मैं कैसे करूंगी, मैं इसको इसे पूरा कवर कर लूंगी, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि इसे है डिजीज, ये सिंबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डिजीज है। अच्छा, अगर मैं सर्कल बना दूं और मैं उसको हाफ कलर कर दूं तो इसका क्या मतलब होगा, करुण कैरियर कैरियर। अच्छा, कुछ बुक रिप्रेजेंट करती है ऐसे भी कैरियर को, है ना, तो अपन दोनों की तैयारी कर लेंगे, ऐसे भी कैरियर दिखा सकते हैं, तो ऐसे घबराने का नहीं, ये क्या हो गया, हो पाप हो गया। वैसे ही डब्बा बना लो, अगर मैं इसको पूरा कवर कर दूं तो मैं इसे क्या बोलूंगी, किसको डिजीज है, मेल मेल डिजीज, मेल, को डिजीज है।
और अगर मैं सर्कल बना लूं और उसको हाफ, उस सॉरी सर्कल क्यों बनाऊंगी मैं, क्या हो गया मुझे, ये हाफ कर दूं तो क्या कहूंगी मैं से, कैरियर मेर है। शाबाश शाबाश, राइट। तो ये कुछ बेसिक से सिंबल्स हैं जो आपको इसके पता होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्लोजली रिलेटिव में शादी हो गया, जैसे रिश्तेदारियों में भी शादी होती है ना, हम पिछले एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस कर रहे थे इस बात को, तो अगर रिश्तेदारों में शादी होगी तो मैं कैसे दिखाऊंगी, मेल और फीमेल, लेकिन मैं ना अच्छा दो लाइनें दिखा दूंगी, ठीक है। ऐसे देखो टू लाइन्स दिखाऊंगी, तो मैं बोलूंगी मेटिंग इन रिलेटिव। हाँ जी शिवानी बोलो। मैं मेल भी हो सकता है कैरियर। हाँ बेटा, अच्छा ये जो तू पूछ रही है ना, अभी मैं तुझे इसका रूल बताऊंगी ना, फिर तेरे को समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट किया ना पेडिग्री, इट टेक्स टाइम, तो ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। ओके चलो, सबने बना लिया सिंबल्स। यस अब एक रूल है पेडिग्री में जो सब याद रखेंगे बाय हार्ट और कभी नहीं भूलेंगे, व्हाट इज द रूल, रूल इज जो हमें नीट में पक्का याद रखना है, इवन अपने स्कूल में भी याद रखना है आपको, पर स्कूल में चलो इजी आएगा, नीट में याद रखना है कि हम पेडिग्री सॉल्व करेंगे एंड ऑफ द एंड ऑफ एग्जाम, एग्जाम के लास्ट के टाइम में हम पेडिग्री सॉल्व करेंगे। मतलब अगर बायो का पेपर कर रही हूँ तो लास्ट क्वेश्चन बायो में पेडिग्री लगाऊंगी, और दूसरा हम पेडिग्री सिर्फ वन टाइम सॉल्व करेंगे, वन शॉट टू पेडिग्री, चाहे तुम्हारे अंतरात्मा से जितनी मर्जी आवाज होए कि यार उस दिन एक पूरा लेक्चर लगाया था इस पे, मैंने अपनी जिंदगी के 2 दिन लगाए हैं इस पे, जितनी मर्जी अंतरात्मा आवाजें दे रही हो, याद रखना एक ही बार ट्राई करोगे पेडिग्री, और अगर नहीं निकला आंसर तो उसके बाद उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। क्योंकि पेडिग्री आपको नंबर दे इसके चांसेस है, लेकिन आपके नंबर खा जाए इसके ज्यादा चांसेस है, कोई कोई बेवकूफ नहीं बनेगा इस बात में, समझ आई। यस मैम। ठीक है, तो अपनी ये टेम्पटेशन होती है ना सबकी, होती है, तुम्हारी नहीं है, मुझे भी होते हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएशन में पेडिग्री आता है, पोस्ट ग्रेड के इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हालत हो जाती है। मैं अपना पेपर में भी पेडिग्री छोड़ के आई थी, मुझसे निकल नहीं रहा था, मुझे याद आया मेरी मैम ने बोला था ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे, छोड़ देना, फिर मैं छोड़ के आई, और मुझे उस बात की खुशी है, नहीं तो नेगेटिव में जाते मेरे नंबर, ठीक है। तो वही सजेशन, वो ना ना हमें सिखाया गया था, मैंने तुम्हें वो परंपरा के तौर पर बता दिया है, तुम भी याद रखना। अब मुझे बताओ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, दो टाइप के होते हैं ना, यस मैम। यस दो मैम। तो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं जो हमारा सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ऑटोसोम्स मैम एंड एलोसोम। ऑटोसोम्स, हाँ, तो ऑटोसोम्स होते हैं वो हमारे होते हैं क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 22, 22 और सेक्स क्रोमोसोम हो रहा था 23rd का पेयर, है ना, यस मैम। 23rd वाला पेयर डिटरमाइन करता है। तो बेटा पेडिग्री एनालिसिस में भी ना दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आप ऐसा जीन स्टडी कर रहे हो जो एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है, अगर कुछ भी वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, मुझे बात बताओ, अगर पापा के वाई क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा जीन है जो डिजीज कर रहा है, तो ये किसको जाएगा, बेटी को या बेटे को, बेटी को, बेटी को बेटे को, बेटे को ही बेटी जाएगा, को सन हमेशा बेटे को जाएगा। तो मैं ये चीज तो बहुत आराम से बता सकती हूँ कि इफ इन वाई लिंक्ड डिजीज फादर से हमेशा डिजीज बेटे को जाती ही जाती है, डोमिनेंट रिसेसिव का केस ही नहीं है, क्योंकि वाई के ऊपर एक जीन है वो खुद को एक्सप्रेस कर देगी, वो एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट ही नहीं होती, तो इसलिए ना हम इसको पढ़ते भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो ये वाला केस तो हम साइड ही कर देते हैं, ये अपने काम का नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, राइट। अब जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ने हैं सेक्स लिंक और ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल के रेंज में दो कंडीशन हो सकते हैं, एक बीमारी है जो रिसेसिव होती है, राइट। तो ऑटोसोमल कैसी हो सकती है, कैसी हो सकती रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट। तो पहले लिखो ऑटोसोमल डोमिनेंट, पहले डोमिनेंट को लिख लो ना। दूसरी बीमारी हो सकती है ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर अभी भी कोई बच्चा है जिसको ऑटोसोम और सेक्स लिंक नहीं समझ में आ रहा, तो जस्ट पिंग मी, मुझे क्लास के बाद मैसेज करना, ठीक है, हमें ये सीखने की ज़रूरत है, नहीं तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। फिर होती है सेक्स लिंक्ड, और मैं सेक्स लिंक को ना ये भी लिख सकती हूँ एक्स लिंक्ड, ठीक है, सेक्स लिंक डोमिनेंट, क्योंकि हमने एक्स वाले क्रोमोसोम को ही पढ़ना है, और सेक्स लिंक दूध रिसेसिव। होता है और एक्स लिंक भी कह सकते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स, तरुण बेटा माइक बंद कर ले भाई,
ठीक है। तो ये चार हमने पढ़नी है, और इनको पहचानने के लिए चार गोल्डन टाइप ऑफ रूल्स हमारे पास, वो रूल्स पढ़ेंगे और उससे हम अपना पेडिग्री की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट, यस मैम। एक पेज निकालो सारे के यस सारे। मैम। अच्छा, किसी को भी डाउट है पहले तो हाथ खड़ा करो। चलो, नो मैम। एनीवन हु हैव डाउट? नो मैम। ओके, यस। ओके, किसी का हाथ नहीं आया, तो चलते हैं आगे। अब एक पेज निकालो सारे के सारे, दो पेजेस निकालो, ठीक है, लेफ्ट और साइड वाला। ऐसे ऐसे कॉपी का पेज नहीं होता, इधर भी खुलता है उधर भी खुलता है। यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे, दो यहाँ लिखेंगे और दो यहाँ लिखेंगे, और उसके नीचे रूल लिखेंगे, और बीच में आप खींच देंगे ऐसे लाइन, ठीक है। तो यहाँ ऊपर लिख दो रूल्स फॉर पेडिग्री, गोल्डन रूल्स लिख दो, सोने वाले रूल्स, सोना नहीं है लिखे। हाँ, अंशुल जाता है अभी, देखो अभी सारे डिजीज करेंगे, टेंशन मत लो, और भागना नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। यस मैम। सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात हुई थी, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तुम कैसे पहचानोगे किसी में? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, क्या फीचर होना चाहिए उसके लिए हर जनरेशन में होगी ये मैम? डिजीज। हाँ, पहले ये सीरीज। हाँ मैम बेटा, आवाज में समझ आई तुम्हारे? इसके स्क्रीनशॉट लो जिसने नहीं लिया। ओके, जो क्वेश्चन ना मैसेज कर दे। हाँ बिल्कुल सही बोला निश ने, निश ने बोला था, हिमराज ने, अनीश, अनीश वेरी गुड। ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या ट्रेस है? जब मैंने डोमिनेंट बोला ना, तो डोमिनेंट का मतलब है कि वो डिजीज डोमिनेंट है, तो वो नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगी। तो पर जनरेशन तो मैंने बताई नहीं तुमको कैसे बनती है, तो देखो जनरेशन कैसी बनती है, ये वाले पेज पे बता रही हूँ, ठीक है। जैसे ये मम्मी पापा है, ये मदर है, मीटिंग हुई, उनके बच्चे हुए, कुछ भी बना लो रैंडमली, जनरली हम रहते हैं ये बच्चा पहले हुआ, फिर ये बाद में हुआ, ये पहले थर्ड नंबर पे, ऐसे लेते हैं, पर कोई तुमसे पूछने नहीं वाला, ये तो अपनी नॉलेज है, ठीक है। तो उनके बच्चे हुए आगे, फिर उन बच्चों के आगे जनरेशंस, किसी और से शादी हुई, फिर उनके आगे अपनी फैमिलीज आ गई, राइट। तो मुझे जो पढ़नी है वो मुझे एक फैमिली पढ़नी है ना, पेडिग्री में हम एक फैमिली को स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी सब क्वेश्चन ऐसे मत कंफ्यूज हो, फीमेल से मेल में गया नहीं, मैंने तो कराया नहीं अभी तक, परेशान क्यों हो रहे हो, वो तो पहुंचे नहीं वहां पे, रिलैक्स करो, आएंगे अभी वहां पर, एंड में सब कर लोगे। तो ये है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, मदर फादर की। उसके बाद ये हो गई सेकेंड जनरेशन, कौन सी है सेकेंड जनरेशन, ध्यान से देखना इसे, ये है सेकेंड जनरेशन बेटा। वो ग्रीन वाला तो किसी और फैमिली का दूल्हा है ना, अपना थोड़ी है, अपनी खून, अपना ब्लड लाइन तो नहीं है ना, तो दिस इज सेकेंड जनरेशन। ओके, अगर मैं बोलूँ ये ग्रीन वाले क्या है, तो ये इनकी फर्स्ट जनरेशन है, और ग्रीन वालों की ये सेकेंड जनरेशन है, समझ आई ये बात, ठीक है। तो यो ध्यान से देखना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि किस फैमिली की बात हो रही है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से हम जनरेशंस बना देते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड लाइन से रिलेटेड है, हमने उनके अंदर पेडिग्री एनालिसिस करा। मुझे जानना है ना कि मेरे भाई को जानना था कि डायबिटीज का जीन हमारी फैमिली में या नहीं, तो उसने हमारी दादाजी की लाइन पूरी स्टडी करी, राइट। मदर से जानना था तो मदर की लाइन स्टडी करता, लेकिन उसने भाभी की फैमिली को इन्वॉल्व करके स्टडी थोड़ी किया था उस टाइम पे, है ना। हमें तो अपनी लाइन में जानना था कि डायबिटीज होगा या नहीं। तो ये याद रखना, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऐसे बनती है। डन, डन मैम। बहुत बढ़िया बात है, कुछ गुड गुड गुड। यो मैम। ओके, अब आ जाओ। ऑटोनोमल डोमिनेंट का क्या मतलब है कि नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ये लिख लो, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। क्यों? क्योंकि अगर ये जीन जो है वो डोमिनेंट है, अगर ये जीन डोमिनेंट है तो फादर मदर में से किसी से तो मिला होगा, तो अगर ये फादर के ऊपर ऑटोसोम है ना, तो ऑटोसोम है, तो मैं इसको ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर लूंगी, कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट, इसे लिख लो, और स्मॉल ए मतलब रिसेसिव, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी मैं। तो अगर यहाँ पे चाहे ए और ए हो, तब भी मदर को डिजीज होगी, क्योंकि ये तो डोमिनेंट है, या फिर ए और ए हो सकता है, ठीक है, और दोनों कंडीशन में डिजीज होगी, फादर के पास भी ए और ए, या फिर कैपिटल ए छोटा ए हो सकता है, राइट। तो ये डोमिनेंट डिजीज है, तो बच्चों को आगे जाएगी, बच्चों को कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, बच्चों के केस में कोई भी जीन का कॉम्बिनेशन बन सकता है, बट कि एक बच्चा जरूर इन्फेक्टेड होगा, दिस इज अ केस। तो मैं इसकी जितनी मर्जी जनरेशन बना लूँ आगे, जितनी मर्जी जनरेशन बना लूँ, द थिंग इज कि हमें दिखाई देगा कि आगे की जनरेशन में कोई ना कोई
अफेक्टेड है, जैसे जनरेशन वन में किसी को डिजीज है और टू में भी डिजीज है। तो जब आपको देखे ना कि हर जनरेशन में डिजीज हो रही है, मतलब किसी ना किसी इंडिविजुअल को हो रही है, आपको पूरी लाइन देखनी है, याद रखना। तो इसको हम कहते हैं कि नो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन। तो नो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन है मतलब डोमिनेंट डिजीज है, तो यहाँ से मुझे डोमिनेंट पता चल गया, ठीक है। अब ऑटोसोमल का पता करने का क्या तरीका है, चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड। सो चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स, जिन बच्चों को डिजीज है, माइट बी अनअफेक्टेड। अब यहाँ पे आके ना बायोलॉजी पूरी हिल जाती है कि यार बच्चों को डिजीज है तो माँ बाप से यही होगी, डोमिनेंट ट्रेट है तो माँ बाप को होना चाहिए था। फिर ये कैसे हो गया कि उसको वो डिजीज उसकी बॉडी में एक्सप्रेस नहीं हो रही है, यहाँ आके हम फंस जाते हैं ना, राइट। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे इस लेक्चर के स्कोप से बाहर है, तो ये पॉइंट तुमको याद ही करना पड़ेगा नीट के पर्सपेक्टिव से, अगर तुमको पेडिग्री सॉल्व करना है। बट दिस इज ट्रू, इसकी मदद से हम पेडिग्री ढूंढ लेंगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमें याद रखना है स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगी और चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड, मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देख लूँ तो ये देखो ये अनअफेक्टेड है ना, ये भी तो मतलब इसको भी तो डिजीज नहीं है ना, इसको भी तो डिजीज नहीं है ना, तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो एक एग्जाम्पल ये साथ में बना लो और फिर आगे चलते हैं, डन। किसी को कोई डाउट इस वाले में, हाथ खड़ा करो, हाथ रेस करना आता है ना सबको उसमें, अगर नहीं आता तो भी बता दो, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, किसी को डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ फिर, ऑटोसोमल डोमिनेंट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोसोमल बेटा, रिसेसिव जहाँ मैंने रिसेसिव बोल दिया ना, तो तुम्हें हर पेडिग्री में ना पहले यही ढूंढना है डोमिनेंट है या रिसेसिव है, आधे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, एक्चुअल में ऑप्शन इजी आते हैं, तो आधे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, रिसेसिव है या डोमिनेंट है। रिसेसिव है मतलब क्या जनरेशन स्किप करेगा, यस मैम, यस मैम, इसी वाले पेडिग्री बहुत बड़े बड़े आएंगे और स्कीपिंग ऑफ जनरेशन विजिबल होती है, जनरेशन पॉसिबल पॉसिबल है, स्कीपिंग ऑफ जनरेशन हो, मोस्ट प्रोबेबली होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है एक जनरेशन को दिख रहा है दूसरों को नहीं। अब सेकेंड पॉइंट है जो तुमको अच्छे से याद रखना है, दैट इज चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड, ध्यान से सुनना, अनअफेक्टेड पेरेंट्स। तो जरा अपनी कॉपी में बनाना अनअफेक्टेड पेरेंट्स को कैसे बनाओगे, बनाना बनाना और बताना क्या तुमने अनअफेक्टेड पेरेंट्स ऐसे बनाए हैं, अगर ऐसे बनाए हैं तो तुमको समझ आ गया। को बेटा मैसेज कर दे, तेरी आवाज नहीं आ रही, मीन माइट बी अफेक्टेड। तो पेरेंट्स अनअफेक्टेड है लेकिन बच्चे अफेक्टेड है, देख रहे हो तुम दुनिया का प्रकोप, पेरेंट्स तो अनअफेक्टेड है लेकिन यार बच्चों को अफेक्टिवनेस हो गई, तो ऐसे वाले कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, हो सकता है इसके पास ऐसा भी हो जो अनअफेक्टेड हो लेकिन मोस्टली को अफेक्टेड है, राइट। तो पेरेंट्स अनअफेक्टेड है लेकिन बच्चे को डिजीज हो गई है, तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। किसी को डाउट रेज योर हैंड और मैसेज करना। मैम, तो मैम जैसे पेरेंट्स अफेक्टेड है ही नहीं, तो बच्चे में फिर वो डिजीज के जीन कैसे गए? क्योंकि ये रिसेसिव है ना, तो पेरेंट्स का जो क्रोमोसोम मटेरियल होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ऐसे या फिर ऐसे वाला, लेकिन किसी ना कोई कैरियर जरूर होगा। तो ये ना इस वाले पेडिग्री में दिखाते नहीं है कि वो कैरियर है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें से कैरियर होगा। तो ये कैरियर होगा जब इसके गैमेट बनेंगे, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ए बड़ा ए, है ना। तो देखो किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में कैपिटल ए आ जाएगा ना, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो जिसमें भी कैपिटल ए कैपिटल आ गया भाई उसको तो डिजीज हो गई। सॉरी सर, वेट, कैपिटल ए स्मॉल ए ये पॉसिबल है या फिर स्मॉल ए कैपिटल, ये वाले इसके जीनोटाइप होगा, ये मम्मा फादर है ये मदर है, रिसेसिव डिजीज है ना। अब इसकी गैमेट बना, ऐसे बना, देख अब कॉम्बिनेशन बना, इसको पहले इसके साथ कर फिर इसको इसके साथ क्रॉस कर, कर कॉपी में, इसे इसके साथ क्रॉस कर फिर इसको नेक्स्ट वाले के साथ क्रॉस कर, तो क्या बनेगा मेरे पास, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, डब्बा बना लेंगे हम अपना, मम्मी का एक जगह लिख दिया, पापा का एक जगह देखा, देख कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए
स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट रिसेसिव जीन है ना, जब रिसेसिव जीन एक साथ प्रेजेंट होंगे तो बीमारी करेंगे। तो देख चारों में से एक बच्चे में रिसेसिव जीन एक साथ है, तो इसको डिजीज हो गई, बाकियों को नहीं हुई। तो पेरेंट्स को डिजीज नहीं थी क्योंकि वो कैरियर थे, लेकिन बच्चे को हो गई। समझ आया? यस मैम। हाँ बेटा, अस्मिता डेफिनेटली ये कैरियर्स होंगे, पर यहाँ पे ना सिंबल नहीं दिखाते हैं इसके अंदर, फॉर सम रीजन दैट इज व्हाई प्रॉब्लम होती है। हम सिंबल दिखाते तो ईजी होगा। चलो समझ आया सबको कैसे हुआ? यस मैम। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया? अब आ जाओ, लिया। अब देखो कौन सा बचा, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और जब मैंने सेक्स लिंक बोला तो मैं बात कर रही हूँ एक्स लिंक्ड की, कोई वाई लिंक के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि वाई लिंक का एक बहुत क्लियर कट केस है। तो इसको ना लिख लो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। वाई लिंक के केस में क्या होगा, डैड से दिस इज फादर, वो हमेशा इन्फेक्टेड होगा क्योंकि उसके अंदर एक क्रोमोजोम है, उसी में डिजीज है, तो उसके बेटे को ही होगा, कभी बेटी को होगा ही नहीं क्योंकि वो बेटी को तो कभी वाई देता ही नहीं है ना, तो उसके सारे बेटे इन्फेक्टेड होंगे। बेटी को नहीं होगा, ये भी आगे किसी से भी मेटिंग करेगा ना, अगर मैं दूसरी फैमिली से इसका रिलेशनशिप बना दूं, देखो तब भी इसके बेटों को जाएगा ये जीन, तो ये वाई लिंक्ड होता है। तो वाई लिंक्ड हम पढ़ते ही नहीं है, तो इसका केस लिख लो, इससे आएगा नहीं क्वेश्चन, पर ये ऑब्वियस है, डैड टू सन ऑलवेज। डैड टू डॉटर नेवर, ओके। चलो चलो चलो, रोना नहीं है, जो बच्चे हो रहे ये क्या हो गया ये। सेक्स लिंक्स डोमिनेंट, सेक्स लिंक पहचानने इजी है। सेक्स लिंक डोमिनेंट का क्या मतलब है कि डिफेक्टेड जीन किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम पे या वाई क्रोमोसोम में? मैक्स ऑन एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट है ना ये, तो फीमेल के केस में ह्यूमन की बात करते हैं हम, पर तो ह्यूमन ही रहे, तो अगर एक एक्स है उसमें डिफेक्ट है, मैंने स्टार बना दिया, ठीक है, दूसरा नॉर्मल है, क्या इस लड़की को बीमारी होगी? नो मैम। यस मैम। यस, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये जीन डोमिनेंट है बेटा, अकेले एक्सप्रेस करेगा, समझी? केस है ओके मैम, और इस पे भी जीन है, क्या डिजीज होगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और अगर मैं बना दूं एक्स और एक्स, क्या डिजीज होगा? नो मैम। नहीं दिया, ठीक है। तो सेक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब है कि एक भी सेक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन है तो इफेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट मुझे इसमें क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट मुझे इसमें याद रखना है, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड डैड विल बी अफेक्टेड, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड डैड विल बी अफेक्टेड। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये महिला है, ठीक है, और ये है पिताजी। अब फादर के पास जीन है एक एक्स और एक वाई, मदर के पास है एक्स और एक्स। अब फादर का एक्स है, इसके ऊपर ये जीन एक्सप्रेस है। बेटा अगर ये जीन चाहे रिसेसिव होता या चाहे डोमिनेंट होता, ये अकेला तो खुद को एक्सप्रेस कर लेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स है, दूसरा तो वाई है, तो अकेला एक्सप्रेस कर गया तो फादर तो हमेशा डिजीज ही हुए, मदर लेट से नॉर्मल है। अब इसने आगे मीटिंग करी, मीटिंग करी तो इनके बच्चे हुए। अब बच्चों में फादर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, बच्चों में फादर, हाँ फादर बेटे को तो वाई दे देगा, यस, एक एक्स मदर से आएगा और एक एक्स फादर से आएगा। तो देखो हर हर बच्चे के पास, मैं इसे ग्रीन से बनाती हूँ, हर बच्चे के पास एक इन्फेक्टेड एक्स चला गया, हर लड़की के पास गया ना, तो सारी लड़कियों को क्या हुआ, डिजीज, तो सारी लड़कियां, बस यही बात मैंने इंग्लिश में लिख दी, और क्या, मैंने सोचा मैं हिंदी में बताऊंगी, मैं कहा चलो हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, यही बात उन्होंने इंग्लिश में लिख दी। तो तुमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे पेडिग्री इन्हीं पॉइंट्स को याद रखते हुए, क्लियर? ये एग्जांपल लिखते हैं। जिसको डाउट रेज योर हैंड। पेडिग्री और मॉर्गन का कौन सा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यह आपके शरीर से आपकी आत्मा को अलग कर सकते हैं, हम धीरे चलते हैं। हाँ बोलो मैम, प्लीज रिपीट कर दो। हाँ हाँ रिपीट कर देती हूँ, और किसी को नहीं, कोई बात नहीं, अगले पेज पे रिपीट करती हूँ। देख हमें समझना है कि पापा से हमेशा बेटी इन्फेक्ट होगी, अगर फादर को डिजीज है तो
तो उसके पास क्या क्रोमोजोम है, ये एक्स लिंक्ड है ना, तो पापा के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है, बेटी को पापा क्या देगा, एक्स ही देता है। तो मान लो अगर पापा के एक्स पे जीन है ये डिफेक्ट वाला, तो पापा को तो डिजीज है। अब उन्होंने आगे मेटिंग करी, मम्मी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं मम्मी के साथ, ठीक है, तो जब भी मैं एक्स के ऊपर ऐसे स्टार बनाऊंगी मतलब ये डिजीज वाला जीन है, ठीक है। अब देखो आगे ऐसे बेटे और बेटियां बन गई उनके, अब फादर हर बार बेटी को एक एक्स क्रोमोजोम देता है, और उसके पास तो इन्फेक्टेड एक्स ही है ना, तो अगर वो इन्फेक्टेड है अपनी बेटी को दे रहा है, और ये एक्स स्टार हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट यहाँ पर, तो अगर ये डोमिनेंस रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स ये अकेला एक्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो बेटियां हमेशा डिजीज वाली होंगी। लेकिन पापा बेटे को क्या देता है, तो ये होगा डिजीज फ्री नॉर्मल, इसके मल्ले इसके बल्ले बल्ले ये नाचता फिरेगा, लेकिन बहनों को बीमारी हो जाएगी, नॉर्मल हो गए है ना, राइट, गॉट इट, यस मैम, यस मैम, यस मैम, तमा, यस तमा, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड, समझ गए सारे बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। चलिए सेक्स लिंक डोमिनेंट हो गया तो क्या बचा, मतलब कि दोनों एक्स पे होगा तो बीमारी होगी किंतु नहीं होगी, इतनी बात क्लियर है हमें, तो बीमारी कब होगी, दोनों एक्स पे होगा तब होगी डिजीज, रिसेसिव बोला मैंने, अगर एक एक्स पे बीमारी है और दूसरे पे नहीं तो डिजीज होगी, नो मैम, तो मतलब है दोनों जीन होंगे, राइट, वेरी गुड, और अगर मैं ऐसे बना लू एक्स नॉट वाई डिजीज होगी, कोई लेना देना नहीं है वाई से, वाई को कोई लेना देना नहीं है एक्स से, एक्स अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करता है, वो अकेला ही काफी है, ओके, तो बिल्कुल डिजीज होगी उसको, समझ आई, यस मैम, यस मैम, बेटा रिसेसिव का मतलब, अच्छा हमारे पास दो जीन आते हैं ना हर चीज के, सेक्स लिंग सेक्स के जीन है ये दो, है ना, तो एक तो आता है हमारे पास मदर से मॉम से, और एक आता है हमारे पास डैड से, राइट, अगर कोई जीन डोमिनेंट है तो वो किसी भी क्रोमोसोम पे अगर एक जीन भी पड़ा है ना तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है, और अगर वो रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब है वो अकेले काम नहीं कर पाता, उसको चाहिए क्राइम में पार्टनर, तो सामने वाले जीन भी अगर अफेक्टेड है उसको भी बीमारी है तभी बीमारी होती होगी, तो ये अगर सेकंड केस में देखूँ ना तो सेकंड केस में एक एक्स क्रोमोसोम पे जीन है लेकिन दूसरे पे नहीं है ना, और ये जीन रिसेसिव है नेचर में, तो ये डिजीज नहीं कर पाएगा, ये नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, तो जब इसके साथ ही इसके साथ होगा ये तभी एक्सप्रेस कर गया तब डिजीज होती है, समझ आई, अरे समझ आई कि नहीं, इसे रिपीट करो, बच्चे हिल गए, चलो दो मिनट के लिए भूल जाओ भाई, तुमने कभी कुछ नहीं पढ़ा, सब भूल जाओ दो मिनट के लिए, ठीक है, माइक बंद कर भाई, वो तो माइक ऑन करेगा वो पढ़ाएगा, धन्यवाद। देखो बेटा एक होती है रिसेसिव, एक चीज होती है डोमिनेंट, डोमिनेंट है वो गुंडा बच्चा जो क्लास में आके सबकी धुलाई कर देता है, और रिसेसिव है वो बेचारा शाय बच्चा, अब शाय बच्चे को अगर क्लास में कोई बात कहनी है तो उसको अपने शाय फ्रेंड की तरफ देख के से इशारा करना कि यार तू भी कह तब मैं मैम को बोलूंगा कि बाहर जाना है, ठीक है, लेकिन गुंडा बच्चा क्या करे एकदम से बोल देगा मैम थक गया मुझे तो ब्रेक चाहिए, राइट, तो डोमिनेंट वाला जो बच्चा है वो अकेला काफी है, लेकिन रिसेसिव वाला जो बच्चा उसको दो दो दोस्त एक दोस्त तो लगता ही है, राइट, अब यही चीज हमें क्रोमोसोम पे लगा देनी है, एक क्रोमोसोम हमारी बॉडी में आता है पापा से, एक क्रोमोसोम हमारी बॉडी में आता है मम्मी से, और लेट से हेयर कलर की बात कर लेते हैं, तो अगर मेरे यहाँ इस लोकस पे हेयर कलर का जीन है तो यहीं पर हेयर कलर का जीन होगा तभी मेरे बालों को कलर मिलेगा, है ना, फेयरिंग होती है, अब मुझे जानना है डोमिनेंट रिसेसिव का क्या चक्कर है, अगर लेट से हेयर कलर का जीन है जो हेयर कलर फॉर ब्राउन, तो मेरे बाल ब्राउन तब होंगे, ब्राउन इज अ रिसेसिव फीचर, तो मेरे बाल ब्राउन तब होंगे जब जो क्रोमोसोम आ रहे हैं ना एक मम्मी से और पापा से, दोनों क्रोमोसोम पे ब्राउन कलर
होने का जीन है, तभी मेरे बाल ब्राउन होंगे। लेकिन अगर दो जो क्रोमोसोम आ रहे हैं, एक के ऊपर जीन है ब्राउन कलर हो मेरे सिर पे, लेकिन एक के ऊपर जीन है मेरे सिर पे तो ब्लैक कलर के बाल हो, तो ब्राउन कलर का जीन कैसा है, वो है शाय, रिसेसिव है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा येलो की प्रेजेंस में, वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो येलो उसके कंपैरिजन में हो गया डोमिनेंट, ठीक है? तो वो कहेगा कोई ब्राउन कलर के बाल नहीं होंगे, बाल होंगे ब्लैक कलर के। तो डोमिनेंट चीजें अपने आप को एक्सप्रेस कर जाती है अकेले, लेकिन रिसेसिव नहीं कर पाती। तो अब इसी चीज को जरा लेफ्ट साइड पे देखो, एक्स क्रोमोसोम के केस पे। एक्स क्रोमोसोम पे हम पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब है एक एक्स क्रोमोसोम मम्मी से, एक एक्स क्रोमोसोम पापा से आएगा। अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज का जीन है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, और डिजीज का जो जीन है ये ग्रीन वाला, इसकी नेचर है रिसेसिव, तो क्या बच्चों को बीमारी होगी? नो मैम, नो मैम, नो मैम, ये है नॉर्मल, है ना? अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे बीमारी वाला जीन है और दूसरे वाले पे भी बीमारी वाला जीन है, क्या बच्चों को बीमारी होगी? यस मैम, यस मैम, यस मैम, तो दिखाए कोई। और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे बीमारी वाला जीन नहीं है, क्या बीमारी होगी? नो मैम, नो मैम, नो मैम। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कैरियर कौन होगा? ये है कैरियर, बिल्कुल सही जवाब है स्मिता, कैरियर यही है, ठीक है? ये कैरियर है, और ये लास्ट वाला कैरियर नहीं है, नॉट अ कैरियर। यस मैम, ये तो नॉर्मल है ना? एक्जेक्टली, तुमसे पेडिग्री में डिजीज पूछेंगे, कैरियर नहीं पूछेंगे। अभी समझ आ गया सबको? इसका फोटो लो, और अब एक और पॉइंट लिखना है इसके अंदर, फिर हम पेडिग्री सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो कोई मुझे समय बता दे। मेल वाला केस भी समझा दो। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया? yes. ये जो बीच में मेल वाला केस समझा दो भाई, तू पहले क्यों नहीं बोला? तुझे क्या लगा तू बोलेगा तो मैं तुझे समझाऊंगी? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये मॉर्गन और पेडिग्री क्वेश्चंस बहुत वो होते हैं, सेंसिटिव से टॉपिक है, इसमें इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। तो बोलेगा भाई तो को पढ़ाऊंगी, ऐसा थोड़ी मैं कर दूंगी। रुक जाइयो, जाने से पहले क्लास खत्म होने के बाद तुमको पढ़ा के जाऊंगी, टेंशन ना ले। अब सेक्स लिंक रिसेसिव में एक पॉइंट तो मुझे पता चल गया जो मैंने पीछे क्रॉस बनाया, और दूसरा पॉइंट जो तुमको याद रखना है, दैट इट शोज, ध्यान से सुनना, इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? कौन बताएगा? आप लगेगा जो एक जनरेशन को छोड़ के दूसरी जनरेशन में जाए। इतना पीटूंगी ना मैं तुझे, हिसाब नहीं रहेगा तुझे। रिसेसिव का फीचर है ये, क्रिस क्रॉस वाली क्या बात थी इसमें? एग्जैक्टली पॉइंट खा गई तू सारा, है मुर्गी बनाएंगे तेरे को। जल्दी बता कहाँ से स्टार्ट करना है क्रॉस? ये एग्जांपल यार, मैंने ग्रैंडफादर, मैम से ग्रैंडफादर से कलर प्रेफरेंस का। आप हाँ, पापा को ग्रैंडफादर से, पापा जी से डॉटर को गई, लेकिन डॉटर को जाएगी से मैम डॉटर, डॉटर है कैरियर। चुप करो, कैरियर मैं पूछती हूँ तब नहीं बोलते, मैं आंसर दे रही हूँ तो पीछे पीछे बोल रहे थे। डॉटर है कैरियर, अब डॉटर से गई उनके बेटे को, सन। मेरे बच्चे को बीमारी हुई थी तुम भूल कैसे सकते, शर्म नहीं आती तुमको? हैं, क्या नाम रखा था बच्चे का? ऋषि, ऋषि, ऋषि। मेरे हाइपोथेटिकल बच्चों के नाम याद है तुम्हें, कौन सा भूल गया? पागल हो तुम लोग? नो मैम, ऐसी बात तो नानू जी से डिजीज हो गई है हमारे प्यारे प्यारे तोते को, राइट? तो इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, है ना? तो ये सुबह शो करेगा सेक्स लिंग रिसेसिव। डन, स्क्रीनशॉट लो इसका, हैंड रेस करो किसी को डाउट। अब हम लगाएंगे पेडिग्री, बढ़िया से मजा आएगा, मजा आएगी। अगर तुम उत्तर प्रदेश जाओगे ना, वहां पे लोगों को मजा आता नहीं, आती है, मजा आती है। मैम मेल वाला करवा देना एक बार, उनके पास और एक वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम को एक्स क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो इसका जेंडर तो पुरुष है, राइट? इसका डब्बा बना देते हम, चलो इसको कोई लेना देना नहीं है एक्स के साथ, क्या है? अगर इसके ऊपर जीन है डिजीज वाला, बेटा इसको डिजीज होगी, इसको ये कभी भी रिसेसिव ट्रेट नहीं कराता है, डोमिनेंट ही कराता है, क्योंकि ये अकेला प्रेजेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि डोमिनेंट वाला कोई है ही नहीं ना सामने। तो शायद बच्चा अगर क्लास में कोई नहीं है तब भी तो अपना बात रख लेगा ना, राइट? तो इसको है डिजीज, फादर है
अब फादर से डिजीज किसको जाएगी बेटा? फादर से, फादर दो जीन बना जी सकता है, या तो एक्स दे सकता है या वाई दे सकता है। अपने बेटे को वो हमेशा वाई देता है, मदर से वाई थोड़ी आता है, मदर के पास तो होते ही एक्स यस एक्स है, मैम, सेक्स डिटरमाइन तो फादर करते हैं, तो वाई हमेशा बेटे को देगा और उसके पास हमेशा इन्फेक्टेड जीन जाएगा। तो वाई क्रोमोसोम पे अगर कोई डिजीज है तो हमेशा उसके सन को जाती है, तो ये भी डिजीज ही होगा। इसलिए हमने लिखा डैड टू सन ऑलवेज, डैड टू डॉटर नेवर। बच्ची को वो कभी वाई क्रोमोसोम नहीं देता, तो बच्ची को सिर्फ तब डिजीज होगी अगर मदर से उसको डिजीज का जीन मिलेगा। पापा उसे बीमारी नहीं कर पाएंगे अगर बीमारी का जीन वाई क्रोमोसोम पे है। ओके, नाउ गेट इट? यस मैम, यस बोलो। हाँ जी अनिश, सेक्स मैम, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल हमेशा नॉर्मल रहेगा? लिंक रिसेसिव में, यस मैम, सेक्स लिंक रिसेसिव में मेल हमेशा नॉर्मल रहेगा। हाँ बिल्कुल, सेक्स लिंक रिसेसिव में नॉर्मल नहीं रहेगा, कैरियर हो सकता है उसको, मदर से एक्स लिंक मिलेगा ना, कैरियर यस मैम, कैरियर हो सकता है। हो सकता है। हाँ कैरियर हो सकता है, क्या बात है, बिल्कुल सही बोला लड़के ने, पकड़ गया बात। चलो करे पेडिग्री लगा दूँ? मान जो, यस मैम, ओए सब माइक बंद करेंगे अब, यस जो माइक ऑन हेलो करेगा, मैम, जो माइक ऑन करेगा उसको पाप चढ़ेगा। सारे माइक बंद करो, कॉपी में बनाओ, और कॉपी में करेंगे भाई, कोई स्क्रीनशॉट लेने का नमूना मत आना। एग्जाम्पल 1 पहले बनाओ, फर्स्ट जनरेशन कौन है, सेकंड जनरेशन कौन है, और मुझे बताओ ये कौन सी डिजीज है। पहले ढूंढो, देखो ऑर्डर है ढूंढने का, अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप है, जो बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं सुन लो, आगे वाला पेडिग्री सॉल्व नहीं होगा। पहले फाइंड रिसेसिव है या डोमिनेंट है, उसके यस बाद मैम, फाइंड करो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंग है, यही ऑर्डर से चलेंगे सारे। चलो अभी बताओ पहला कैसे है। हाँ बेटा क्रोमोसोम क्रॉस हो जाता है, वो जो फीचर लिखाए थे वो समझो, वो जो 4 फीचर लिखाए थे उसे पढ़ो। सबसे पहला पढ़ो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है। चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड, बच्चे अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड भी पैदा हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये था ऑटोसोमल डोमिनेंट में। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या था, इतना हमें पता चल गया कि ऑटोसोमल डिजीज है, ठीक है, सेक्स लिंक तो नहीं लग रही, तो ऑटोसोमल डिजीज में। दूसरा का था चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो क्या आंसर होगा इसका? दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव। डोमिनेंट। अब बच्चे हो गए यहाँ से पागल की हाय हाय, ये तो एक जनरेशन स्किप होगी तो अब ये क्या हो गया। बेटा वो बात तेरी सही है, एक जनरेशन स्किप होगी, लेकिन मैंने तुमको एनालाइज करने के लिए 2 स्टेप लिखाए है ना, तो 2 स्टेप मैंने तुमको क्यों लिखा है, बावली थोड़ी हूँ मैं। दोनों स्टेप पढ़ने हैं, दोनों स्टेप अप्लाई होंगे। सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड का पॉइंट देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट में भाग के जाओ और देखो वहां क्या लिखा है कि इन्फेक्टेड पेरेंट्स है, जिस पेरेंट्स को बीमारी है उनके बच्चे अनअफेक्टेड हो सकते हैं। अगर मैं इसका और क्रॉस बनाती ना तो एक पॉइंट आता जहां पे इनके बच्चों को बीमारी भी होती, लेकिन ये क्रॉस आधा है। तो सेकेंड पॉइंट से मुझे पता चला ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो तुमको वो लाइन पढ़ के आगे चलना है। ओके चले आगे, ट्राई यस मैम, दिस वन, आराम से करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आएगी। म्यूटेशन मैं तुमको कल करा दूंगी, कोई बात नहीं। हाँ जी पढ़ना, पीछे जाके पॉइंट्स पढ़ो। हाँ स्मिता, वो वाला पॉइंट ना बैठ नहीं रहा था ना, वो बात तो सही है, लेकिन सेकंड पॉइंट का इतना सेंस बनता है कि फिर हम फर्स्ट वाला एक पॉइंट इग्नोर कर देते हैं, सेकंड पॉइंट से ज्यादा हमें आ रहे हैं वो चेंज होते हैं। ये पहले बताओ ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक, पहले बताओ डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर मैं देखूं तो जनरेशन 1 डोमिनेंट जनरेशन 2 दोनों में डिजीज है, किसी ना किसी को डिजीज तो डोमिनेंट पक्का डोमिनेंट ही है, तो यो पता है एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। मैम, एक्सलेंट है, एक्सलेंट एक्स लिंक्ड होगा, तो एक्स लिंक डोमिनेंट अगर मुझे लग रहा है तो मैं क्या करूंगी ना, सब रुको, मैं क्या करूंगी, मैं जाके उसका पॉइंट पढ़ूंगी। तो एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर क्या लिखा था, दैट फीमेल डॉटर्स ऑफ नॉट अफेक्टेड, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टिव डैड विल बी अफेक्टेड, हाँ जितनी भी बेटियां बनेंगी ना अफेक्टेड पापा की, वो सबको डिजीज होगी। तो पापा को डिजीज है मुझे इस डब्बे से पता चला, और उनकी सारी बेटियों को डिजीज है, इसलिए ये बहुत स्ट्रांग था, इसलिए मैंने इसको बोला सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट था ये।
ठीक है, अब जरा पीछे जाना और एक पॉइंट सेक्स लिंक डोमिनेंट में ऐड कर लेना, तो मैं तुमको लिखाना भूल गई। कहाँ है सेक्स लिंक डोमिनेंट? मैम यही है। ठीक इसमें लिख लेना थर्ड पॉइंट, मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। ये हमने ट्रेंड देखा है कि ऐसा भी देखा गया कि मेल्स को ज्यादा ये डिजीज होती है जैसे एज कम्पेयर टू गर्ल। ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसमें मैंने बोला था कि लड़कों को ज्यादा होती है लड़कियों को कम? हीमोफीलिया, एंड कलर ब्लाइंडनेस ना, तो मैं इसके ब्रैकेट में लिखूंगी कलर, इसके ब्रैकेट में लिखूंगी हीमोफीलिया प्लस कलर ब्लाइंडनेस, वो कॉमन लगा ले कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर मैं पीछे जाऊं, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये भी अब अगर मैं यहाँ आऊं और मैं देखूं कहाँ गई ये वाला, तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज अ पेडिग्री ऑफ व्हाट? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड है ना, तो मैं इसका पेडिग्री में ले सकती हूँ। पर अगर कलर ब्लाइंड, हाँ नहीं यहाँ मत लिखना, आगे आएगा छोड़ो, ये वाला इतना अच्छा नहीं बना होगा। चलो सेक्स लिंक डोमिनेंट लिख लिया ना। यस मैम। कोई बच्चा जिसको पीछे तक डाउट था जरा हैंड रेस कर दो, बाकी बच्चे ये स्टार्ट करो। तो कोई बात नहीं है यार, डाउट है तो पूछ लो, समय है अभी तुम्हारे पास। मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहूंगी, ये वाला पार्ट काट देना, ठीक है? मैं इसमें लड़की नहीं है, मैं इसको इससे इंटरप्ट करना चाहूंगी, करना जरा ये लाइन ही काट दो। डोमिनेट है या रिसेसिव है पहले तो ये ढूंढो। मैम रिसेसिव है, चैट बॉक्स में लिखो ना। जेनरेशन वन, जेनरेशन टू, है ना, यहीं तक पढ़ेंगे टेक्निकली देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ये वाला बंदा तो बाहर से आया है, तो हम जीजा जी की फैमिली तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे, है ना? तो सेकेंड जनरेशन एक्चुअली यहाँ तक देखनी है। पहली चीज़ तो ये जान लो भाई, जो वहाँ चले गए थे ना ना ना, वो बाहर से आए हैं, उनके जूते चुराए जाएंगे सिर्फ। तो ये सेकेंड जनरेशन ये है, फर्स्ट ये है, स्कीपिंग ऑफ जनरेशन मुझको दिख रहा है ना कि इस फीमेल ने आगे जो रिप्रोड्यूस किया वो अगली जनरेशन आई है, उसमें भी स्किप ऑफ जनरेशन है। देखो अगर मैं इसको बोलूँ ये एक जनरेशन है एक फैमिली की और ये उनकी सेकेंड जनरेशन है, तो यहाँ भी तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन है। जैसे ही जनरेशन स्किप हुई मैं इसको तो रिसेसिव लिखूंगी भैया, लेकिन मुझको विश्वास सा नहीं है कि ये रिसेसिव ही है या नहीं है। तो मैं फिर क्या चेक करूंगी, ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक है? तो ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होता है, चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड, है ना? मैम तो मैं इसको ये वाला अप्लाई कर सकती हूँ कि ओके कि चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइंड बी अफेक्टेड, लेकिन हमें ये बताया है कि तुम्हें नीचे वाली जनरेशन देखनी है या ऊपर। अगर ये स्पेसिफाई नहीं है तो तुम ऊपर वाली जनरेशन देखोगे, समझ आई बात? ये ऊपर येलो जो अंडरलाइन है ना उसको देखोगे, तो नीचे वाली नहीं देखनी। अब जरा ऊपर वाली देखो और अब लाइन रीड करो, खुद रीड करो, चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, पेरेंट्स अफेक्टेड है चिल्ड्रन अनअफेक्टेड है, और पेरेंट में कौन अफेक्टेड है? फादर अफेक्टेड है, राइट? तो फादर अफेक्टेड है और उनके बच्चे अफेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं इस थर्ड जनरेशन, इस वाली पे जनरेशन पे आऊँ अगली फैमिली के, तो मुझे दिख रहा है कि सन अफेक्टेड है। क्या ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आ रही है? क्रॉस इनहेरिटेंस किसमें होता है? रिसेसिव है ये, ठीक है? तो अगर सुनो इस वाले पेडिग्री से मुझे क्या लेसन मिला, मुझको लेसन मिला पहला कि अगर वहां पर मेंशन नहीं है तुम्हें किसको ऑब्जर्व करना है, तो सबसे पहले हम हमेशा ऊपर वाली जनरेशन को देखेंगे, जो ये फर्स्ट के साथ निकली है ना नीचे, हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है? पहले तो हम इसको स्टडी करेंगे। और दूसरा, अगर मुझे अपने पहले पॉइंट पढ़ के नहीं समझ में आ रहा, रिसेसिव डोमिनेंट पता चल गया लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा सेक्स लिंक्ड है और एक्स लिंक्ड है, तो मैं नीचे वाली जनरेशन को भी अच्छे से एनालाइज करके देखूंगी। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के लिए आपको तीन जनरेशन तो देखनी ही पड़ेगी ना, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के लिए तीन जनरेशन देख लेना। जैसे तुझे रिसेसिव मिल गया ना, तो डोमिनेंट वाले दो फीचर तो कट कर दो। अब तुम्हें रिसेसिव के साथ दो चीजें पढ़नी थी, एक थी ऑटोजोमल रिसेसिव और एक सेक्स लिंक्ड।
ऑटोसोमल रिसेसिव का सेंस नहीं बन रहा था इस जनरेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैं सेक्स लिंक के पास गई और मैंने तीन जनरेशन को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो आपको खुद फिल्टर करना सीखना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से होगा, इसके लिए आपको वो चार पॉइंट्स आने चाहिए। समझ आई बात? यस मैम। टाइम बताओ। यस मैम। 825 हो गई। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी पिक कर लिया तुमने, नाइस आंसर। जिसने नहीं पिक किया वो परेशान ना होए, कोई बात नहीं यार। मैं बिजी हूं, मैं देख के पता लग जाता है इनका। ओ अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं पता चलता, कोई बात नहीं। पहले तो रिसेसिव है डोमिनेंट, मुझे कैसे पता चला? पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन। ठीक है, अगर मैं इसमें पढ़ लूँ तो ये रही इनकी पहली और दूसरी जनरेशन, ये भैया पहली, ये भैया दूसरी, स्किप अप जनरेशन है, है ना। अगर इसके रिस्पेक्ट में पढ़ू मैं ये वाली जनरेशन क्रिस क्रॉस के लिए मैं पढ़ती तो मुझे पता चल जाता, थोड़ी क्रिस क्रॉस टाइप की ये मुझे दिखा तो रही है, देखा जाए तो, है ना, थोड़ा सा तो दिखा रही है पर मैं श्योर नहीं हूँ अभी। तो मुझे इतना तो पता चल गया ये देख के कि भाई ये है तो रिसेसिव। डोमिनेंट होती तो तुमको ना हर, देखो हर लाइन में एक ना एक तो तुम्हें डब्बा दिख जाता भरा हुआ हर लाइन में, तो हर लाइन में दिख रहा है ना बेटा ये है रिसेसिव। अब रिसेसिव के दो ही पॉइंट है, या तो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। पहले ऑटोसोमल पढ़ लेते हैं। ऑटोसोमल हमें कहता है दैट चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड, चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड। तो मैंने इसको भी पढ़ा, अनअफेक्टेड के अनअफेक्टेड ही है, तो मैं कह यार इधर तो नहीं है सीन, इसको हटा देते, ये वाला पेरेंट तो मुझे कुछ नहीं बता रहा कमबख्त। अच्छा मैं इसको पढ़ती हूँ, पेरेंट्स अफेक्टेड है, बच्चा अफेक्टेड नहीं है, तो यार ये ऑटोसोमल रिसेसिव पे तो ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन बेटा यहाँ तीन फैमिलीज है, इसको पढ़ना जरा। अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है कि पेरेंट्स ऑफ अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनमें बीमारी जा रही है, तो हो सकता है ये ऑटोसोमल हो, ये हो सकता है यार ऑटोसोमल रिसेसिव हो। ठीक है, अब ऑटोसोम, अब सेक्स लिंग इफेक्ट, इफेक्ट देख लेती हूँ, सेक्स लिंग रिसेसिव सॉरी, उसमें क्या होते हैं, मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेल आपको अफेक्टेड दिख जाते, पर तकरीबन सारे मेल ठीक ही है, सिर्फ एक ही मेल को है और एक ही फीमेल को है, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये रिसेसिव वाला पॉइंट यहाँ जाएगा सेक्स के साथ। दूसरा पॉइंट क्या था, शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, पापा से बेटी को जाएगी, यहाँ पे तो बेटी से स्टार्ट हो रही है, तो बेटी से स्टार्ट हो रही है, मैं यहाँ से पढ़ूंगी नहीं। तो बेस्ट आंसर मेरे पास जो बचा दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसके लिए आपको वो पॉइंट पता होते तो इसका आंसर निकलता है, तो आंसर वुड बी ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, सेक्स लिंक नहीं हो पाएगा क्योंकि सेक्स लिंक रिसेसिव को पॉइंट्स नहीं मिले यहाँ। समझ आई? यस मैम। बाकी बच्चों रेज योर हैंड जिसको नहीं समझ आया। बाकी सब चुप हो जाओ, जिसको नहीं समझ आया बेहिचक होके हाथ खड़े कर दो। मैम वो मेल वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दो। हाँ गायत्री बोलो। अच्छा बताती हूँ मैम, रिपीट कर दो। हाँ, ये पता चला कि ये रिसेसिव कैसे हुआ? यस मैम। रिसेसिव में तो सब एग्री करते हैं। अब रिसेसिव मुझे मिल गया, अब मुझको ढूंढना है कौन से वाला है। तो एक ऑटोसोमल हो रिसेसिव हो सकता है और एक हो सकता है सेक्स लिंक्ड। तो मैं पहले ऑटोसोमल की तरफ जाती हूँ, और ऑटोसोमल का पहला पॉइंट है दैट चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड। तो इसके लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा, हाँ सिमरन कर दूंगी, कि कितनी फैमिलीज है। तो अपने पास फैमिली कितनी है, एक तो ये परिवार है शर्मा जी का परिवार है ना, फिर ये परिवार है अपने पास वर्मा जी का परिवार, और फिर नीचे वाला परिवार है, ये किसका परिवार बना है भाई? गुप्ता जी का। ये गुप्ता जी का परिवार,
तीन परिवार है हमें, चलो जानते हैं। ऑटोसोमल हमें कहता है चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड, मतलब पेरेंट्स को बीमारी नहीं है बच्चे को है। शर्मा जी के परिवार में तो ऐसा नहीं है, पेरेंट को बीमारी है बच्चे को नहीं है, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। वर्मा जी के परिवार में ना बच्चों को बीमारी है ना पेरेंट्स को है, यहाँ भी अप्लाई नहीं हुआ। गुप्ता जी के परिवार में पेरेंट को तो बीमारी नहीं है, ये दोनों पेरेंट्स है, लेकिन बच्चे को बीमारी है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव का जो फीचर है वो गुप्ता जी के परिवार में मिल रहा है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। इसे कंफर्म करने के लिए मैं सेक्स लिंग रिसेसिव को पढ़ के देख लेती हूँ, ठीक है। तो सेक्स लिंग रिसेसिव का पॉइंट क्या है, सेक्स लिंग रिसेसिव कहता है कि मेल मोर अफेक्टेड देन फीमेल। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो ऐसा कहीं दिख रहा है ज़्यादा लड़कों को बीमारी है लड़कियों के कंपेरिजन में, एक लड़की को है एक लड़के को। तो पहला पॉइंट तो रिसेसिव वाला नहीं मिला ना सेक्स लिंक्ड, राइट, ये पॉइंट तो खारिज हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है सेक्स लिंक रिसेसिव में, कोई बताओ? नहीं, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है सेक्स लिंक रिसेसिव में? मैम इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हाँ, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमेशा डैडी से स्टार्ट करनी है, तो बेटा या तो स्टार्ट ही मम्मी से हो रहा है, डैडी से स्टार्ट होकर तो हमें आगे पढ़ने को मिला ही नहीं। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी इस पेडिग्री से मुझे पता नहीं चल रही, तो मेरे पास आंसर क्या बचा, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल, ठीक है। तो मैंने क्रॉस करके देख लिया, समझ आया सबको? यस यस मैम। बात है, ये करके बताओ और टाइम बताओ, टाइम बताओ, टाइम 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 31 क्या 31 31। स्क्रीनशॉट लो इस दोनों का, स्क्रीनशॉट ले इसका, डियर मैम इसका भी ले, डन मैम डन मैम डन मैम।